देखिए यहाँ पे ये पेड़ कितना टेढ़ा हो रखा है, बिल्कुल इतनी हवा का झोंका पूरा हमारे। अच्छा, गर्मी से राहत तो मिल रही है। इंग्लिश में कहते हैं कुकी गई पानी में छाव छाव है। तो यहाँ आके हमारा पोपट हो गया। बारिश भी आ गई है, वापिस चलो वापिस। आजा पकड़ के ला सो मुला, उसको आराम से लेके आ। गधेरे में नहाने का मजा, बारिश में बारिश में गधेरे में नहाने का मजा, इंजॉय यही कर रहे हैं। यही पानी यहाँ से ये नहा रहे हैं, यही पानी यहाँ से गुच्छू पानी जाता है रॉबर्ट्स के। और देखते हैं लोग, देखो पिकनिक मना के अब घर को निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं कविता राणा आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, दिन के तीन बच्चे हैं और मेरे पीछे देहरादून का मौसम देखिए, कितना खतरनाक तूफान आ गया। और हम सब लोग उड़ गई, मतलब उड़ गई कहाँ, उड़ गई कुकी उड़ गई, बाहर तो मैं हूँ भाई, उड़ेगी कहाँ। तो क्या है कि हम सब लोग जस्ट अभी गुच्छू पानी, जो कि एक रॉबर्ट्स कैब है, हम गुच्छू पानी जाने के लिए रेडी हुए हैं। तो तब तक देखिए बाहर तूफान ने दस्तक दे दी है, तो हम सोच रहे हैं तूफान थम जाएगा इसके बाद हम गुच्छू पानी जाएंगे। और सब लोग रेडी हो चुके हैं, देवेश को देखिए बैग लेके बिल्कुल तैयार है। सोमू के पापा आ रखे हैं, आज सोमू के पापा हमें घुमाने ले चलेंगे, मतलब तेरे और पैसा। अभी हूँ देहरादून जो चक्राता रोड घंटा घर के पास यमुना कॉलोनी में, और यहाँ देखिए बिल्कुल इतना तूफान आ चुका है। तो बस ये तूफान नहीं चाहिए, प्लीज इंद्रदेव हम पे मेहरबान हो जाए, बारिश दे दे हमको। सुन ली भगवान ने मेरी की बारिश भी आने लग गई, तो गुच्छू पानी जाना कैंसिल, कैंसिल ही हो जाएगा। अब जीजू को आने देते, पापा को छोड़ने गए हैं। तो सच में उड़ जाएगी, आम तो उड़ने वाले। पिछली बार ऐसी तूफान आया था ना, अरे बारिश नहीं आई थी देहरादून। देखिए यहाँ पे ये पेड़ कितना टेढ़ा हो रखा है, बिल्कुल इतनी हवा का झोंका पूरा हमारे साइड आ रहा है, है ना। ये तो बारिश भी आ चुकी है बहुत। अब मेरी मम्मी मना कर रही है जाने के लिए, देखिए नीचे कितनी बारिश आ रही है। अब मम्मी ने मना कर दिया है जाने के लिए। गुच्छू पानी ये कौन है, लग रहे थे ना जीजू पर कार नहीं थी, रेड हम कैंसिल कर, बाहर छत में नहा लो सबके सब, पर नहीं आई तो वहीं चल लेंगे। नहीं नहीं अब तो बेकार ही जाना है, अब तो रहने ही दो। ये बच्चे एंजॉय करते हुए हैं, चप चप चप, मिस्टी उड़ाने से किसी और लगेगी फिर मत बोलना, दीदी के साथ रहे। हाँ चप चप छपक छपक, मछली गई पानी में छपक छपक, कुकी गई पानी में छपक छपक, कुकी गई पानी में छपक छपक। तो नानी के घर में आजकल बच्चे एंजॉय कर, अरे भाई ये उतार दे तू, अगर मैं आ जाए। आ चुकी हूँ अब अपने घर के पीछे के साइड से, तो यहाँ पीछे देखो मैंगो हैं और नीचे काफ़ी सारे, अब इधर नहीं झड़ रखे, उधर काफ़ी सारे झड़ गए हैं और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत टाइम बाद बारिश, आज आज देखना देहरादून में बहुत सारे लोग छत में आ गए होंगे, बारिश का मज़ा लेते हुए सबके सब भीगने आ गए होंगे, है ना। तो आजकल सारे के सारे बच्चे लोग अपने नानी नानी के घर में इंजॉय कर रहे हैं। सैंडल निकालो, क्यों निकालो सैंडल, पहन के रख, गिर जाएगी, नहीं पैप काटो। तो फाइनली बारिश रुक गई है और हम निकल ही जाते हैं गुच्छू पानी, अब जहाँ ही जाएंगे। और मैंने तो इनके कपड़े भी चेंज कर लिए थे, फिर भीगने वाले, अब फिर ऐसे ही भागते हैं। तो चलते हैं आज जीजू के साथ, बस अब हम निकल चुके हैं शाम के 3:30 बजे घूमने के लिए। ऐसे कौन निकलता है, बच्चे देखे दो यहाँ, चुके हैं हम पर्यटक स्थल गुच्छू पानी रॉबर्ट्स कैब में, आपका हार्दिक स्वागत। तो यहाँ पे भीड़ देखिए, हम पहुँच गए हैं गुच्छू पानी से 1 किलोमीटर पीछे।
तो हम आए थे गुच्छू पानी के लिए और क्या बोलते हैं पोपट हो गया और जीजू लेके आ गए हमको यहाँ ये नए गधेरे में तो ये पानी यहीं से गुच्छू पानी जाता है लेकिन बारिश भी हो चुकी है और जाओ जाओ जिसको नहाना है पड़े रहते हैं और दिन में सही है बारिश के लिए तो नहीं है भैया। अच्छा और देखो पानी आ रहा है कितना अच्छा बारिश आ गई तो यहाँ आ गया हमारा पोपट हो गया बारिश भी आ गई है वापिस चलो वापिस चलो अरे बच्चा मिस्ती चलो दिन के लिए तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे और उधर बारिश बंद हो चुकी है और यहाँ पर भी पार्किंग का पूरा 50 रुपीज़ चार्जेस है और ये देखिए काफ़ी सारे लोग अभी भी आ ही रहे हैं यार काफ़ी सारे स्कूटी वगैरह भी आई हैं और ये देखो ये यहाँ सोने के लिए आ रही है बोल रही हो तो जब बाहर आ जा चला थोड़ा सा आ रही तो चल चल बाहर मुझे तो ये फोन देख रही है मैं घर पे रहती हूँ उससे अच्छा चलते वैसे इसको बाहर लेके आ पार्थ भाई तू भी मत आ तू भी मम्मी का चमचा और मेरे जीजू जो चले गए हैं नहाने अरे कुकी कभी लेके गए दीदी आ रहे दीदी चल ना हम पानी में नहीं उतरेंगे थोड़ा सा गर्म पानी है बलमाद जा सोमू भी चले गए यार चल नाटक तब देखना चल चल हवा ही इसका फोन छीन लेती हूँ अब आ तो चल कुकी को पार्थ देवेश लेके चला गया हाँ तभी तो मैं कह रही तू भी चलो चल देवे पार्थ आजा सी से बंद है ना ठीक है जी जो हमको वो लाए थे गुच्छू पानी बोल के और हमें लेके आ गए यहाँ बिस्ट गाँव में तो ये भी एक पिकनिक स्पॉट है आप लोग यहाँ पे आराम से पिकनिक मना सकते हो तो ये भी आ गई है खींच खींच के लाई हूँ यहाँ पे सोमू को देखो सोमू कहाँ चले गई है और देवेश भी गया जीजू भी चले गए मामा कहाँ गए मामा नहीं आए नहा रहे मामा मना कर रहे और वहाँ देखिए वहाँ खाना मामा चौकीदार है वहाँ पे खाना पीना बना मिस्टी जा तू भी जा लो बन रही है वीडियोस पकड़ के ला सोमू ला उसको आराम से लेके आ रो गई देखिए रो गई ये तो बेकार ही लाती हूँ मैं इसको जा ये जा 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 दे पार्थ आगे देख बारिश में नहाने गधेरे में नहाने का मजा है बारिश में ए देवेश बारिश में गधेरे में नहाने का मजा एंजॉय यही कर रहे हैं देवेश पार्थ तो अच्छा बच्चा है जा मौसा जी के साथ गरम गुनगुना पानी है रे यही पानी तो जाता है वहाँ गुनगुना आजा 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 स्विमिंग कर दे स्विमिंग स्विमिंग करना सीखो चलो चलो अभी बच्चों ने काफी एंजॉय कर लिया यहाँ पे और यही पानी यहाँ से ये नहा रहे हैं यही पानी यहाँ से गुच्छू पानी जाता है रॉबर्ट्स के और देखते हैं लोग देखो पिकनिक मना के अब घर को निकल रहे हैं हाँ पकड़ के कौन रख रहा है कहीं नहीं डूबती है तू देख उसको ठंड लगने लग गई हाँ देखो तो पार्थ को देखो इधर अगर आप लोग भी इस लोकेशन पे आना चाहेंगे तो ये गुच्छू पानी से लगभग 2 से 3 से या 4 किलोमीटर आगे ही है और किसी को भी पूछ के आ सकते हो आप बिस्ट गांव ये बिस्ट गांव के सामने ही है ये गधेरा और सब देखिए यहाँ पे पिकनिक मनाने आ रखे हैं लेकिन हम ऐसे ही आ रखे हैं बस नहाने लेकिन बारिश आ रही है तो मैं नहीं जा रही हूँ बस बच्चे लोग गए हैं वेरी गुड वेरी गुड देवेश तू भी सीख मैं सीख गया और गया सीख गई थोड़ा थोड़ा आगे हाथों से चल रही है आ चल चल पैर भी खड़े कर सीधे रखो एक ये यहाँ पे एक मछली है यहाँ पे जलपरी एक जलपरी है यहाँ है तो बस हाथ धो के बच्चे अब हम जाते हैं अपने घर हम तो खाली आए रहे हम दोनों यहाँ है ना पर इतना ही अगर इनके साथ भेजते इनके कपड़े कुपड़े चेंज कौन करा था तो ये यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं किस चीज का मोमो देवेश किस चीज का इंतजार हो रहा है एक, दो तेरे
मैं अपनी एक प्लेट में खाऊंगा। अच्छा चटनी भी तो दे, रुक जाओ। तो यहाँ पे हो रही है हमारी मोमोज पार्टी। ये है मोमो का ठेला खोलने वाली। कितने रुपए प्लेट है? दे थोड़ा और दे यार चटनी। बस बस हो गया, बस बस मेरे को दे चटनी। ये चटनी मिल चुकी है मुझे, दो मेरे को एक और खाना था। खाने के लिए एक और दे इसमें दे रहे। एक और मैडम जी, एक और खाती है। अरे कुकी खूब खाती है वहाँ के मोमो। एक डाल और। चल ठीक है, चल आ जाओ। हम तीनों के हैं, आ जाओ भैया। हमारे प्लेट मिल गई, आ जाओ सोमो बैठ जाओ।